तो दोस्तों निकल गए हैं बस हम लोग अभी थोड़ा सा नाइट ड्राइव करने के लिए, कुछ काम भी है तो सोच रहे हैं एक चक्कर मार के आते हैं। तो देखिए अभी अभी बस एरावत के बाहर निकले हैं एक छोटी सी नाइट ड्राइव के लिए और साथ में कुछ काम भी है रामनगर में, तो अगर कोई साइटिंग होती है तो आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली बहुत दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, क्योंकि अभी आप सबको पता ही है बहुत ज़्यादा रश चल रहा है कॉर्पोरेट के अंदर, तो लगातार ही क्लाइंट्स थे तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कोई भी वीडियो बनाने का। या इस बाउंड्री के पीछे कुछ था सामने, तो बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल, अब थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो आज से ट्राई करूँगा कि जब जब रात को या कभी किसी काम से निकलता हूँ तो छोटी छोटी वीडियोस अब बना लिया करूँगा। चलिए फिर देखते हैं अगर कोई साइटिंग होती है तो। एक्चुअली हुआ ये कि शाम को मैं टेरेस पे बैठा था तो अभी ये जो राइट साइड पे आपको पेड़ दिख रहा है इससे जस्ट थोड़ा सा आगे हम लोग छत पे बैठे हुए थे तो कोई बहुत बड़ा जानवर लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री है ये वाली लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री है यहां से छलांग मार के इस जंगल के अंदर गया और उसका कलर भी कुछ ऑरेंज सा था और साइज भी लेपर्ड के बराबर ही था, क्योंकि इतनी दूर से टेरेस से इतना क्लियर दिखता नहीं है। तो ये देखिए सामने फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो अभी लेपर्ड था। ये पकड़ो पकड़ो जल्दी से, यहाँ पे पीछे से लाइट मारो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी लेपर्ड था, मैंने अभी भी लेपर्ड देखा है। यहाँ पे भी लेपर्ड था, मारो 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 मारो, चला गया। मैं कैमरे में देखता हूँ, तुमने देखा? Yes, इधर है, रुक जाओ, इधर क्या है? हाँ इधर ही है, ये पानी पी रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी है, पानी और क्या देखो। हाँ ये इधर को क्या है, इधर को क्या है? ओ यार लेपर्ड मिस कर दिया हमने, मिस। मैं अभी देखता हूँ कैमरे के अंदर अगर आया होगा तो। पंजे के निशान भी होंगे इसके? नहीं, उतरना सेफ नहीं है प्रिंस। वैसे वो मैं अभी आपने गाड़ी स्पीड से कर दी थी ना तो हाँ दिखा नहीं। दोस्तों अभी अभी यहाँ पे क्लिपिंग आई है एक, उस क्लिपिंग के अंदर मैं कोशिश करूंगा जूम करके लगाऊं। आंखों से तो बिल्कुल क्लियर दिखा लेपर्ड, लेकिन जब हम लोग वहां तक पहुंचे तो फट से वो नीचे फॉरेस्ट में राइट साइड पे जंगल में उतर गया, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि कोई बाउंड्री के पीछे आंख चमकी थी दूर से, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो लेपर्ड ही था। और बाकी अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जब वापस जाऊंगा तो मैं उसको जूम करने की कोशिश करूंगा जितना जूम हो सकता है वो, तो अगर कुछ उसके अंदर होगा तो आप लोग देख लेना। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बोल सकता हूँ, लाइट पड़ी तो पूरी बॉडी उसकी मुझे दिखी और पूंछ भी उसकी मुझे दिखी, बट जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक वो राइट साइड को नीचे को उतर गया, तो बिल्कुल ही 100% श्योर बोलना कि नहीं वो लेपर्ड ही था। हालांकि हमने आंखों से देख लिया है बट जब तक हम वहाँ पहुँचे तो हम क्लियर नहीं देख पाए उसको। तो दोस्तों आप बस उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे जो मैंने आज YouTube शॉर्ट्स में लगाया है, जहाँ बहुत सारे हाथी हैं, पूरा हर्ड है हाथियों का और स्कूटी वाले गिर जा रहे हैं। और ये जगह वही जगह है जहाँ पे जब एक रात को मैं
क्लाइंट को छोड़ने जा रहा था रामनगर, तो बस ये जो लैंडमार्क सामने दिख रहा है राइट साइड पे, ये यहाँ पे खून गिरा हुआ था पीछे, नहीं, नहीं, पा, पानी का होल है ना यहाँ पे बना, नहीं पीछे रोड पे खून गिरा हुआ था, हाँ पीछे कोई है तो नहीं, एक डंडा भी गिरा हुआ है, ये स्कूटी वाले यहीं पे गिरे, पता नहीं कहाँ गिरे हैं क्योंकि यहाँ खून गिरा हुआ है रास्ते पे आगे रोड पे, ये गिरा हुआ है, ये सामने खून गिरा हुआ रोड पे, हाँ ये देखिए दोस्तों मैं जूम कर रहा हूँ अभी, ये नीचे की साइड पे देखिए यहाँ पे रोड पे खून गिरा हुआ है, ये देखिए ये थोड़ी देर पहले का है, जैसे किसी जानवर को अगर अटैक किया होगा तो ये देखिए ये ना जो उस दिन बैल मारा था रात में यही तो मारा था, ये देखिए खून गिरा हुआ है, खून गिरा हुआ ना, तो लकड़ी भी गिरी हुई है एक और खून भी गिरा हुआ है, अब पता नहीं किसका है क्या है नहीं पता, बट देख लिया आपने यहाँ पे क्या क्या होता है जंगल में, ये वही वाली जगह है जहाँ पे एक वीडियो के अंदर जिसको मैं बोला था गाय मारी थी, एक्चुअली बाद में पता चला वो बैल था, तो गांव वाले ने बताया कि वो बैल था, तो यहाँ एक टाइगर बहुत एक्टिव है इस टाइम पे, जो जिस टाइगर को हमने देखा था, तो बस अब एग्जैक्टली उसी जगह पे हम लोग एंटर करने वाले हैं, क्योंकि ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है, यहां से हाथियों का जितना झुंड है वो मूव करता है, कोसी होते हुए सुंदर खाल और या फिर कुमेरिया, जो कुमेरिया रेंज है वहां, और ये जो झुंड है ये आता है अपना हल्द्वानी नंदौर, ये पूरी रेंज को पार करते हुए हाथियों का झुंड आता है, तो कई बार यहाँ पे बड़े बड़े झुंड भी दिख जाते हैं, जो उस वीडियो में आप देखना शॉर्ट्स के अंदर कितना बड़ा झुंड है वो, ये देखिए दोस्तों मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ नाइट सफारी पे, नाइट ड्राइव पे निकला था, ये देखिए मेरे गाड़ी के आगे आगे क्या चल रहा है, ये सेही है, ये देखिए ये सेही है, सेही, दिस इज सेही, ये देखिए, और इसका साइज कितना बड़ा है आप देखिए, तो हम लोगों ने अभी देखी सेही, ये है नाइट ड्राइव के मजे, जिस जगह पे अभी हम चल रहे हैं इस जगह पे यही वो जगह है जहां पे एलिफेंट की मूवमेंट और टाइगर की मूवमेंट बहुत अच्छी है, ये क्या है बहुत बड़ी कोई गाड़ी है, हैं? छोटा हाथी और इतना बड़ा कमाल, लग रहा था एक ट्रक के ऊपर दूसरा ट्रक बैठ के आ रहा है, ये तो धोखा है, मैंने इतनी बड़ी साइड दे दी इसको दूर से इसकी लाइट को देखकर कि पता नहीं कौन सी बड़ी गाड़ी होगी, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो कई बार टाइगर क्या करता है जो ये लेफ्ट राइट साइड पे आपको गड्ढे दिख रहे हैं तो गाड़ी को देखने का टाइगर क्या करता है इसके अंदर अपने आप को बिल्कुल छुपा लेता है, जिन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ जो लोगों ने बना रखी है उसमें यही हुआ था कि टाइगर ने अपने आप को छुपा लिया था, और ये जो मेरा होल्डर है
ये टाइगर से कम नहीं है। जैसे टाइगर दिखता नहीं है ज़्यादातर, वैसे ही ये हमें कुछ दिखाना नहीं चाहता है। तो जगह जगह आप रोड पे देख रहे होंगे, जैसे अभी भी पीछे जस्ट आप नोटिस करना, रोड के ऊपर कुछ दाग सा पड़ा हुआ है खून का। तो जब कोई व्हीकल नहीं आ रहा होता है तो उस टाइम पे टाइगर जो रोड पे कोई भी सांभर, हिरन, कांकड़, पार्किंग डियर क्रॉस कर रहा होता है तो खुली जगह थोड़ी सी मिलती है, तो यहाँ पे अटैक करके पकड़ लेता है उसको और फिर खींच के झाड़ी में ले जाता है। उसके बाद कोई भी गाड़ी निकल रही हो उसको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी घनी झाड़ी है, आप खुद देखो दोनों साइड पे। अगर यहाँ से 5 फीट दूर भी झाड़ी के अंदर टाइगर बैठा हुआ है तो आपको नहीं दिखने वाला वो टाइगर। आपको क्या, मुझे भी नहीं दिखने वाला वो टाइगर, क्योंकि मुझे दिखेगा तभी तो आपको दिखेगा। और रोड को देख के ऐसा लग रहा है कि आज हम दोनों को नहीं दिखेगा। वैसे होप कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखिए रोड पे फिर, आपने देखा होगा अभी रोड पे फिर कुछ दाग सा था, खून का दाग। और देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये रोड में जब लाइट बंद कर देते हैं गाड़ी की तो कैसा लगता है, ये लीजिए। ओ ये देखिए, ये कैसा होता है ना जंगल में अगर लाइट बंद कर देते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक 20-20 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। सीतावनी रोड की एक खासियत है, जब हम कभी मोहान वाली, सुंदर खाल वाली रोड पे चलते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हर कुछ सेकंड्स में, मिनट में तो कोई बात ही नहीं होती है, सेकंड्स के बाद कोई ट्रक आ रहा है, कोई कार आ रही है, क्योंकि वो हाईवे है, रानीखेत हाईवे, आगे को रोड निकल जाता है उत्तराखंड के कुमाऊं के और एरियाज में। जैसे वो वाला रोड ज्यादातर वो उसको रोड को कहा ही जाता है रानीखेत रोड, तो आगे को ट्रक और जितने भी पिकअप वैन, बसेस, ये सब जाती हैं गाड़ियां, लेकिन ये वाला रोड जाके खत्म हो जाता है पाटकोट में। जो हमारी प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट कॉटेज, वो विलेज का नाम है भैलौन, और भैलौन से बस 5 किलोमीटर आगे है पाटकोट। तो बस पाटकोट ये इस रोड का लास्ट, आप समझ लो डेड एंड है, ये रोड उसके आगे कहीं नहीं जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो एरियाज में रहते हैं, होटल में या फिर लोग रहते हैं, लोग तो खैर जो विलेजर्स हैं वो बाइक्स होती है ज्यादातर उनके पास, तो वो दिन दिन में ही शाम शाम को ही ट्रेवल कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस रोड है। वो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें टाइगर चार्ज कर रहा है जिप्सी के ऊपर, तो रात को तो बाइक वाले बहुत कम, बहुत रेयर कभी ऐसा होगा कि अगर कोई बिल्कुल ही डेरिंग हो या फिर कोई प्रॉब्लम होगी किसी को तो ही ट्रेवल करता है, नहीं तो ज्यादातर कार्स आती हैं, वो भी बहुत कम। जो लोग होटल में रुके हुए हैं वो होटल वाले, या फिर होटल में जो टूरिस्ट रुका हुआ है, और या फिर जैसे अब मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे रामनगर में भी काम है, कुछ सामान लेना है मुझे अपने लिए, तो मैं जा रहा हूँ, तो बस वही पर्पस वाली गाड़ियां दिखेंगी जो लोग अपने काम से कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन उस वाली रोड पे, सुंदरखाल वाली रोड पे, मोहान वाली रोड पे, आपको हाईवे होने की वजह से हर टाइम पूरी रात, सारी रात गाड़ियां चलती हैं उस पे। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे आपको एक अच्छा जंगल देखने को मिलता है जहां ज्यादा भीड़ नहीं है गाड़ियों की। अब देखिए मैं कितनी देर से आपसे बातें कर रहा हूं और एक भी व्हीकल यहां से अभी नहीं निकला है। प्लान ए तो ये होता है कि यहाँ किसी तरह बैक करेंगे, भागेंगे, कोशिश करेंगे, यहाँ जगह जगह बैंड है, हल्का सा भी बैंड इधर उधर होगा तो आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें एक राइनो अटैक करता है, जिप्सी पलट जाती है। तो वैसी कोई कंडीशन ना हो जाए, प्लान ए के लिए तो सब लोग होते हैं कि बैक कर लिया और बैक करके धीरे धीरे करके हम गाड़ी निकाल लेंगे, बट प्लान बी क्या होता है। प्लान बी हमारे दिमाग में पहले से तैयार था कि अगर इन केस वो हम भाग नहीं पाते हैं, मतलब जिप्सी भगा नहीं पाते हैं,
तो उस कंडीशन में जिप्सी वहीं पे छोड़कर रोड पे ही हम लोग उतर के जितनी दूर तक हो सकेगा भागेंगे। जो आज वाली वीडियो है शॉर्ट्स, उसमें भी आपने देखा होगा वो स्कूटी गिर जाती है और उसके बाद स्कूटी को वहीं छोड़कर, वो समझदार लोग थे क्योंकि अगर वो स्कूटी को उठाने लगते और उस टाइम पे वो हाथियों का झुंड वहां आ जाता, स्कूटी तो दूसरी ली जा सकती है, जिंदगी तो दूसरी मिलती नहीं है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये सोचने के बाद आदमी को सबसे पहले सर्वाइवल का सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये स्कूटी या गाड़ी है और उससे चिपके रहना चाहिए कि वो चिपके रहते हैं इससे। देखिए अब कैसी कैसी जगह पे ये बेंड पे गाड़ी घूम रही है, और आज ही का इंसिडेंट है वो वाला जो वीडियो के अंदर स्कूटी गिर जा रही है और लोग भाग के अपनी जान बचा रहे हैं, और जगह भी करीब इसी बेल्ट के अंदर है वो हाथियों का झुंड। तो होप सो कि ऐसा कुछ हमें देखने को ना मिले, साइटिंग हो जाए बट सेफ साइटिंग हो। दोस्तों यहाँ पे पगमार्क लगा हुआ है। अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो जो इंसिडेंट हुआ था अभी जो टाइग्रेस ने जिप्सी पे अटैक किया था वो इसी जगह का था जहां अभी हम चल रहे हैं, एग्जैक्टली इसी जगह का था। तो ये जो पगमार्क अभी लगा हुआ था ये उसी टाइग्रेस का हो सकता है, अभी अभी हमने पगमार्क देखा तो इसी जगह पे उसने अटैक किया था, तो वही होगी अभी ठीक है पगमार्क होंगे, क्योंकि टेरिटरी तो टाइगर की तो टेरिटरी होती है अपनी, कोई और टाइगर तो हो नहीं सकता है यहाँ पे, जो पगमार्क है उसी वाली टाइग्रेस के लिए। कहीं रोड वोड पे चलती हुई मिल जाए अभी, बाकी वो बहुत अग्रेसिव टाइग्रेस है तो अगर मिलती भी है तो वो, क्योंकि हम तो अपनी रोड रहे हैं, आते जाते अगर कभी मुझे मिलती है तो मेरे को डिस्टेंस मेंटेन करना है बस। अगर हम टाइगर से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं तो टाइगर कभी भी ऐसे चार्ज नहीं करता है, वो अपने रास्ते हैं। खुद देखने आता है डिस्टेंस को कवर करके। हाँ वो तो उसका जंगल है ना ये। हाँ, तो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है वो पास आए दूर जाए, अगर वो आएगा भी तो। दोस्तों तो अब हमारा काम हो गया है, रामनगर से हम वापस आ गए हैं, हमने जो सामान लेना था वो ले लिया है, देखते हैं आप वापसी में अगर हमें कुछ साइटिंग होती है कि नहीं। लेपर्ड है दोस्तों, अभी देखा आपने फुटेज में, ये रहा हमारा सामने वो एरावत कॉटेज है, और हमारे बैक साइड पे अभी आपने देखा लेपर्ड बैठा हुआ था। उधर को चलो, मारो मारो चढ़ जा। हाँ मारो, लाइट करो, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर ऊपर चढ़ जाओ। चला गया नीचे, जाने की आवाज़ आ रही है ना। तो दोस्तों हमारी मेहनत सफल हो गई है, ये दो लाइट वो दो मुझे।
लाइट दो मुझे कुबेर जी, लाइट दो मुझे। पत्थर की आड़ को फेर था दोस्तों। अभी अभी ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर दे हैं, यहाँ पे लेपर्ड था, यहाँ बैठा हुआ था, इस जगह पे लेपर्ड बैठा हुआ था। मैं फुटेज दिखा दूंगा आप लोगों को। और वो रहा सामने, ये मेरी गाड़ी खड़ी है और वो सामने अरावत है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, इस गांव की जो रोड है वो है, और इसी पे लेपर्ड सो रहा था। मेरी वीडियो के अंदर आ गया है वो, यही है नीचे, इसी पत्थर पे जिस पे हम खड़े हैं इसी पे वो सो रहा था, यहाँ पे सो रहा था, आराम से यहाँ सोया हुआ था इस जगह पे। आ जाओ, बैक मत करो उसकी तरफ, उसकी तरफ सिर करके आना। हाँ, उसकी तरफ सिर करो, सिर करो उसकी तरफ, चेहरा करो, मतलब चेहरा उसकी तरफ करो। उधर को देखो, उधर को उतरा है, नीचे उतर गया, नीचे उतर गया वो, यहाँ से देखो कहाँ उतरा है, नीचे उतर गया। दोस्तों बहुत ही मज़ा आया, पूरी दुनिया घूमने के बाद लेपर्ड मिला तो मेरे कॉटेज के बाहर। वो जो लाइट जल रही है सामने वो हमारा एरावत है, और 11:53 हो रहे हैं, 11:53 रात के 11:53, और हमें हो गई है एरावत के बाहर लेपर्ड की साइटिंग। और ये वही जगह है जहां मैं और कुबेर जी जब वो काकड़, बार्किंग डियर और मोर और बंदर कॉलिंग कर रहे थे, ये वही वाला लेपर्ड है। मेरे फुटेज के अंदर आ चुका है ये, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट किया वीडियो ऑन, तब तक वो खड़ा हो गया था और पत्थर के पीछे भाग गया था। और जो एक और फुटेज मैंने लगाई है वीडियो के अंदर है, वो भी इसी की है, जो दूर से मुझे टेरेस से दिखा था और बाद में जब हम गाड़ी से आए तो ये नीचे को उतर रहा था। तो ये वही वाला लेपर्ड है जो हमें जाते टाइम दिखा था, और अब आते टाइम तो क्लियर ही दिख गया है। तो इस बात पे मोहर लग गई है कि जो लेपर्ड हमें जाते टाइम भाग यहां से भाग गया था, जो हमें दिखा था भागता हुआ, और जरा सा ही दिखा था, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि वो लेपर्ड था, और यही जगह थी वो एग्जैक्टली, जब हम जहां से जा रहे थे तो यही वाला लेपर्ड इस जगह पे था। गाड़ी की लाइट को देख के वो नीचे उतर गया था, जब हम चले गए तो वो वापस आके उसी जगह पे लेट गया, आराम से सो गया। और अभी मेरे फुटेज के अंदर, मोबाइल वीडियो के अंदर, उसके अंदर ये जो वीडियो मैंने अभी बनाई है उसके अंदर वो आ गया है। और ये है हमारा कॉटेज द एरावत, ये है हमारा कॉटेज द एरावत। और अब आप देखिए, पूरी दुनिया घूमने के बाद हमारे, हमें साइटिंग भी हुई है तो कहां हुई है, हम पूरे रास्ते सब जगह घूम आए और हमें लेपर्ड दिखा तो हमारे द एरावत के गेट पे। तो यहां पे ये होता है, अभी तक मैंने आपको कॉलिंग सुनाई और मतलब दिल खुश हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जाते टाइम तो इतनी दूर से दिखा था तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी, और मैं भी डाउट में था कि ये क्या है, बट जब हम लौट कर आए हैं तो हमें हमारे गेट के जस्ट पहले लेपर्ड दिख गया है। तो ये आ गए हैं हम द एरावत पे। अब आप ये देखिए कि हमारे गेट के पास, हमारे गेट के पास हमें लेपर्ड दिख गया है। तो ये है हमारा प्यारा सा फॉरेस्ट कॉटेज द एरावत, जहां वाइल्ड लाइफ के इतने शानदार मजे हैं।
आज मेरा दिल खुश हो गया। मतलब दूर से दिखा था दोस्तों तो लग रहा था कि पता नहीं कोई विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, बट जब बिल्कुल पास से भी दिख गया तो ये मुहर लग गई इस बात पे कि जो हमें दिखा था वो लेपर्ड ही था। तो दोस्तों वाकई में आज बहुत मजा आया, और सबसे बड़ी बात है कि ये हम गेट वेट बंद कर रहे हैं अभी, और ये हमारी फेंसिंग बहुत ऊपर ऊपर है, और बहुत ही शानदार वीडियो बनी है। ये हमारा दयारावत, और वहाँ छत पर से बैठकर उस जगह पे हमें अभी दिखा है, जस्ट यहाँ पे दिखा है हमें लेपर्ड। तो जब हम टेरेस पे होते हैं और हम दूर से सर्च लाइट से देख रहे होते हैं तो हमें टेरेस से ही लेपर्ड दिख जाता है। कई बार इधर लेफ्ट साइड दिखता है, कई बार हमें राइट साइड दिखता है, कई बार बैक साइड दिखता है जहाँ मेरा क्रिकेट ग्राउंड है। तो दोस्तों 12 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, 11:53 पे हमें दिखा था अभी लेपर्ड। कुबेर जी पीछे ले, दोनों शीशे बंद कर दो। तो दोस्तों हमें अभी जो लेपर्ड दिखाया है वो 11:53 पे दिखा है, और अब 12 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। हम लोग वापस आ गए हैं अपने द एरावत पे, और एक ये जिसको कहते हैं सफल नाइट ड्राइव वो हो चुकी है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। आज दिल बहुत खुश है मेरा। बाय।